नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं लाइव बीएनएस से। मैं हूं ध्यान और इस समय सीधे बात करेंगे एसपी ट्रैफिक और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं की जो शक्ति का बढ़ाने का जो उद्देश्य है, मिशन शक्ति। एसपी ट्रैफिक सर के कंधे पे दो ही जिम्मेदारी है, नोडल अधिकारी हैं मिशन शक्ति के। क्या कुछ अभी मिशन शक्ति को लेकर किया जा रहा है महिलाओं को लेकर, और आगे क्या कुछ करने की रणनीति है? सर सादर नमस्कार। नमस्कार, लाइव वीएनएस को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, महिला शक्ति और शक्ति जो मिशन है हमारा, ये एक डिटेल बड़ा प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसकी पूरी डिटेल प्रोग्राम की हम लोगों के पास टाइमलाइन आया हुआ है। शारदीय नवरात्र से लेकर के बासंतिक नवरात्र तक का लगभग 6 महीने का जो टेन्यूर है, हाफ ईयर का, वो इसमें समाहित है। इसमें पुलिस तो एक कंपोनेंट है ही है, पुलिस के अलावा लगभग 32-33 डिपार्टमेंट हैं जिनको ये काम दिया गया है। इसमें इन होल महिला को, मतलब एक तरीके से इन होल उसका डेवलपमेंट कैसा हो, उसका पावरमेंट कैसे हो, उसके सशक्तिकरण कैसा हो, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा हो, तो हर डिपार्टमेंट अपने तरफ से काम कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट का मैं नोडल हूँ, SSP सर ने मुझे नोडल बनाया है। मेरे साथ 4 GOs और लगे हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी जो इस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों ने इसकी डिटेल प्रोग्रामिंग की है, हमने ऑडियो बनाए, हमने इसकी वीडियो बनाए, हमने इसका डिटेल जो हम प्ले कर सकें वो हमने बनाया। थानों में हमने ऑलरेडी जो हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड चलता था उसको हमने सेंसिटाइज किया, उसकी मीटिंग की। एक अलग टीम हमने मिशन शक्ति के नाम से बनाई, शक्ति मिशन के नाम से। वो हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल है उसको हमने लिया, और 5 सदस्यीय टीम हर थाना क्षेत्र में, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, ग्रुप में भी जा रहा है पूरा संदेश। उनको हम लोगों ने डेली टास्किंग कर रखी है कि आप लोगों के बीच में जाएं। अब इसमें कई हमारे हो हैं जिसपे हम लोग लगे हुए हैं, हमारे जो कंपोनेंट हैं उसमें हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, महिला परिवार परामर्श कल्याण केंद्र भी है, मिशन शक्ति टीम भी है, थाना भी है, बीट सिस्टम भी है, ट्रैफिक सिस्टम भी है, और स्मार्ट कमांड सेंटर भी है। तो ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये हमारा पुलिस का है। इसके अलावा हमारे जो NGOs हैं, चाहे वो लायंस क्लब हो, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे महिलाओं के अपने किटी पार्टी क्लब हो, तो वहाँ तक हमारी ये टीम पहुँच रही है। जो महिलाओं के मेन मोन अप्रोच के एरिया होते हैं, जैसे मंदिर एक हुआ जहाँ पे महिलाओं का बहुत आना जाना होता है, वहाँ पे हमारी टीम अप्रोच कर रही है। दूसरा, जो साड़ियों के जो शॉपिंग मॉल्स हैं या बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर भी महिलाओं का काफ़ी आना जाना होता है, और तो वहाँ पर हमें महिलाओं की ठीक ठाक संख्या शॉपिंग करते हुए मिल जाती है। इसके अलावा जो ज्वेलर्स हैं वहाँ पे भी महिलाएं शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे महिलाओं की, या चाट बाज़ार है, चाट बाज़ार पे हुआ, मॉल में हुआ, तो सिनेमा हॉल हुआ, तो जहाँ जहाँ पे महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की आना जाना है, वहाँ पे हमारी टीम जो है उनसे अप्रोच कर रही है, उनको कंटेक्ट कर रही है, और छोटे छोटे टुकड़े में, 5 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में, जहाँ पे जितना बड़ा ग्रुप है हम उनको जागरूक कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे, मतलब, बड़ी खुशी हुई कि पिछले 15 दिनों का जो अभियान चला है नवरात्र के बाद से अब तक, परसों तक, हमने लगभग लगभग 1500 प्लेसेज पे इस प्रोग्राम को किया है, और 1500 प्लेसेज में लगभग लगभग 70 से 72 हज़ार महिलाओं, बच्चियों तक हमारे लोग पहुँचे हैं। तो एक बहुत बड़ा है, जब हमने 10-12 दिन में, 15 दिन में इतने बड़े अभियान किए हैं, 17 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे पास 6 महीने का पूरा टारगेट है। और मेरे लोगों का प्रॉब्लम है कि प्राइमरी या सेकेंडरी रूप से हम हर महिला, हर बच्ची तक हमारी टीम के लोग पहुँचे, उनको जागरूक करें, उनको बताएं, विशेष करके कि इन क्राइसिस संकट के समय में आपको क्या करना चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए, कैसे टाइम बाई करना चाहिए, कैसे आपको अपने को बचाना चाहिए। हम लोग जूटे कराटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट नंबर हैं, चाहे 112 हो, चाहे 1090 है, जो दो स्पेसिफिक बहुत ही इन एमरजेंसी किसी को भी डायल करने का हक है, तो ये महिलाओं को हम लोग स्पेसिफिक कह रहे हैं कि ये दो नंबर आप हमेशा, मतलब, जहन में रट जाना चाहिए। जैसे हम सुबह सुबह राम राम कर लेते हैं, भैया बाबू कर लेते हैं, तो हम लोग की एक वे ऑफ टॉकिंग में वो बात आ जाती है। तो 112 1090 एक ऐसी चीज़ है कि हमारी जबान पर रटना चाहिए, कभी हुआ 112 मिला लिया। और ये इमरजेंसी सेवा है, 24 आवर है, और फील्ड में है। ये भी नहीं कि इसको कहीं से निकलना, कि 112 कहीं पे आप कॉल करेंगे, फिर वहाँ पे वो बैठेगी, फिर वो तैयार होंगे, फिर वो निकलेंगे।
तो ये ऑलरेडी फील्ड में है और जीपीआरएस कनेक्शन से हैं। जीपीआरएस पे इनकी लोकेशन है, जो हमारी लखनऊ का जो मॉडर्न 100 डाल वहाँ पे जो 112 डाल सेंटर है, वो ऑलरेडी सभी व्हीकल का जीपीआरएस लोकेशन देखता रहता है। जो भी शॉर्टेस्ट व्हीकल होती है वो जीपीआरएस के माध्यम से पहुँच जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हम लोग बता रहे हैं महिलाओं बच्चियों को कि आप इनको यूज़ करिए, और इसमें कहीं कोई बॉदरिंग की नहीं है, कहीं कोई पैसे की बात नहीं है, कहीं कोई फीस की बात नहीं है, कहीं कोई आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपसे उसके बाद आफ्टर इंट्रोगेट की बात नहीं है, कोई पूछताछ की बात नहीं है। एवरीथिंग इज सीक्रेट और फ्री सर्विस है। ये नहीं कोई इसमें कोई आपको शुल्क जमा करना है, कोई फॉर्म भरना है, कोई नहीं, ये फ्री सर्विस है और सरकार की तरफ से है। तो ये पूरा हम लोग का एक तरीके से एजुकेशन है, प्लस जो पीछे के अपराध हो गए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसमें कैसे हम कार्रवाई कराएं, कैसे सजा कराएं। तो मेरा मतलब एक निगेटिव आस्पेक्ट भी है, एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी। निगेटिव आस्पेक्ट ये कि क्राइम जो हुए हैं, जिन पे हुआ है, वह चीज़ हम ना होने दें, निगेट करें उनको कि आगे ना हो। और पॉजिटिव पक्ष ये है कि हम उनको जागरूक करें और अवेयर फैलाएं ताकि उनमें हिम्मत हो सके। तो दोनों चीज़ों को हम, नकारात्मक चीज़ों को रोकेंगे और सकारात्मक चीज़ों को फैलाएंगे। ये मेरा दोनों। ज़्यादातर मामले क्या आ रहे हैं महिलाओं के, जो थाने पे महिला डेस्क बना है उसमें ज़्यादातर मामले क्या दिख रहे हैं महिलाओं से संबंधित? देखिए, एक अब इसमें आपको दो चीज़ों पे बाइफर्केट मैं करूँगा। एक तो होता है उनकी फैमिली से संबंधित प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसका मामला थाने तक आए या कोर्ट कचहरी तक जाए, क्योंकि हर आदमी, हर माँ बाप चाहता है, लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, कि उसके मामले किसी तरीके से हल हो जाए। बहुत मजबूरी में वो मामले फिर थाने में आते हैं, पति पत्नी के बीच विवाद हैं तो ऐसे अगर आते हैं, या कहीं पे सास ससुर के बीच में विवाद है, या घर में एडजस्टमेंट को लेकर के कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोग का प्रयास ये होता है कि भाई इसको हल करा दिया जाए, ये मामले को लंबा ना हो, फैमिली को बचाया जाए टूटने से, परिवार बसे, बिगड़े नहीं और उजड़े नहीं। लेकिन जहाँ पे क्राइम की बात आ जाती है, वो भी अदर पर्सन के द्वारा, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो परेशान है, चाहे महिला को लेकर के परेशान है, छेड़खानी को लेकर के, चाहे बाकी कमेंटबाजी को लेकर के है, या जहाँ पे महिला काम कर रही है वहाँ पे लेके कोई परेशानी हो रही है, ये आते जाते रास्ते में हो, उस पर हम लोगों का बहुत क्लियर कट है कि प्राइमरी तो हम उसको मतलब एक सजेशन देंगे, कंसल्ट करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है तो उस पर फिर मैं कड़ाके की प्रहार भी करके उसको फिर उसको ख़त्म करेंगे। लिबर्टी वहाँ तक ठीक है जहाँ तक सुधार दिखे, रिफॉर्मेशन आए वहाँ तक तो हम लिबरल हैं, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ना हो कि वो गलती करेगा और बच जाएगा, ये चीज़ नहीं होता है। सुधार होना अच्छी बात है, सुधार का पुलिस मौका भी देती है, मौका भी दे रही है, लेकिन वहीं तक जहाँ तक मर्यादा के अंदर है और उचित है। तो ये हम लोग का काम है, महिलाओं का बेसिकली छोटी मोटी चीज़ों का होता है, छिड़कानी का, गली मोहल्ले का, किसी ने फ़ोन पे कर दिया, किसी ने पता चला कि ऑडियो वीडियो कॉल कर, हम लोग अभी बता भी रहे हैं इस बात। अब एक फैशन सा है कि मोबाइल ले लिया, हम हर फोटो ले रहे हैं, हर तरीके की फोटो लेके डाल दे रहे हैं, कोई चीज़ भी डाल दिया, डीपी लगा दिया, अब उसने डीपी आपकी ले ली, कर ली, अब वो 10 जगह उसको मिसयूज कर सकता है, उसको कुछ एडिट कर सकता है, और आपको एडिट करके अगर उसने कुछ कर दिया, मार्केट में डाल दिया, तो आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आप सबको अपना स्पष्टीकरण देते जाएं, बताते जाएं, नहीं हम गलत नहीं है, ये गलत। तो ऐसे उदाहरण आते हैं कभी जब गुरफेथ में हो जाता है, बच्ची बात कर रही है, नहीं उसको इतना जिंदगी का अनुभव है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, लड़के से शेयर हो गई, मित्रता हो गई, अब मित्रता का मिसयूज कर ले रहे हैं। तो हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप वीडियो कॉल अवॉइड करिए, वॉइस कॉल को भी उतना ही हद तक बात करिए, क्योंकि हर फोन में कॉल रिकॉर्डर है। तो हमें अपने जहन में बात को डालना पड़ेगा कि जो हम हमेशा टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द में, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हम है ही नहीं, हम चौराहे से निकल गए वहाँ पिक्चर मेरी आ जा रही, तिराहे पे गए वहाँ पिक्चर आ गई, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत से सिस्टम में तो ऐसे हैं लोग कि गूगल पे डाल दिए हैं, कई सालों तक वो गूगल पे पड़ा रहेगा आपकी रिकॉर्ड, आपको तो आपने सोचा कि हमने बात खत्म कर ली, बात समाप्त हो गई, आपने हंसी मजाक में जाने क्या कह दिया। तो ये हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं कि इससे बचें, कैसे अच्छे फोटोग्राफ न रखें, जो चीज़ है आप पर्सनल चीज़ पर्सनल पे ही शेयर करें, ये नहीं कि व्हाट्सअप बन गया, ग्रुप बन गया, जो मन में आ डाल रहे हैं वो कल के लिए आपके लिए ही मुसीबत पैदा होगा। तो इसके पर जागरूक भी हम लोग कर रहे हैं। सर, मिशन शक्ति के स्वरूप, उन शक्ति स्वरूप महिलाओं, बच्चियों, बेटियों के लिए लास्ट में क्या अपील रहेगी इस मिशन शक्ति को लेकर? देखिए, मेरी अपील बहुत क्लियर है,
बहुत से लोगों के मन में या बच्चियों के मन में महिलाओं के मन में रहता है कि भाई बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करना अच्छी बात है, ठीक है, अनावश्यक मुखर होना भी ठीक नहीं, लेकिन एक सीमा पर। अगर आपको लगता है कि कहते हैं ना कि अन्याय करना तो अन्याय अपराध ही है, अन्याय को सहना भी अपराध है, तो आप उस सीमा तक उसको बर्दाश्त करिए जहां तक लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन अगर कहीं लगता है कि आपको नहीं मुझे करना चाहिए, तो फिर अनावश्यक आप उसमें मत रहिए। हम फ्री हैंड हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चुप मत रहिए, अकारण चुप मत रहिए, आप खुल करके आइए, अपनी बात को कहिए। क्योंकि आप अगर चुप हो गई तो हो सकता है कल फिर रिपीट किसी और के साथ, परसों फिर रिपीट किसी और के साथ, क्योंकि वो आदमी रिपीट करेगा। अगर एक जगह वो जीतता है या एक जगह उसको मन मुआफिद उसको परिणाम मिल जाता है, जाहिर सी बात है अगली जगह फिर वो करेगा, तो कई लोग शिकार हो जाएंगे। तो आप अपनी बात को कहिए, रोकना टोकना भी जरूरी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें पहले स्टेप पे ही रुक जाए, दूसरे स्टेप पे ही रुक जाए। तो इसको मैं अपील करूंगा सभी के माध्यम से कि 1090112 और भी है, 108 है, आप इसको यूज करिए, घर परिवार में बताइए, बच्चों को बताइए, निकलते बताइए। और सबसे बड़ी यह है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, इसको आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए स्पेशली प्रोग्राम चल रहा है। वो जमाने चले गए जब ये सभी बातें हो जाती थी, नहीं कोई जा पाता था, दो दो चार चार दिन लग जाते थे पुलिस को अप्रोच करने में। आज तो आपके एक कॉल पे पुलिस उपलब्ध है, तो आप उसकी सर्विस लीजिए, उसकी सेवाएं लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। घुट करके जीने में, चुप होके जीने में, सह करके जीने में कोई फायदा नहीं है। वो एक हिजक है मन की, उसको निकालिए और समाज में आइए। थैंक यू सर, लाइव बीएनएस से बात करने के लिए। सुना आपने, एसपी ट्रैफिक नोडल अधिकारी श्रवण कुमार सिंह जी ने बताया, मिशन शक्ति के तौर पर महिलाएं अपना अधिकार समझें और बेझिझक पुलिस के सामने अपनी बातें रखें ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके और उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सके। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।